ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टर बोले होती है। यहाँ से हमारी 9 मेट्रिक टन पहले से मिल रही है, जिसका हिसार, अग्रोहा और सिरसा वहाँ की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। लेकिन फिर भी जो गैस रूप में ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए विचार बना कि यहाँ एक हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल हिसार में, और एक ऐसे ही 500 बेड का हॉस्पिटल हम पानीपत में बना रहे हैं जो IOC की रिफाइनरी है। दोनों जगह पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी DRDO की सहायता से ये दो जगह फैसिलिटी बनेगी, तो कम से कम 1,000 लोगों का ये हॉस्पिटल ये और बन जाएगा। देखिए कुल मिला के आज जो मुझे यहाँ पता लगा है कि एक दुर्घटना रात्रि को हुई है, एक हॉस्पिटल में 5 लोग अचानक जो डेथ हुई है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड तो जाँच कर ही रहा है, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसके लिए भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया कि वो इसके एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराने के लिए ऑर्डर करें, ताकि छानबीन इसकी हो सके, इस प्रकार की घटना दोबारा से ना हो, इसलिए उसको भी कर रहे हैं। सब लोग कोविड के समय अपना बचाव ये करने का मन बनाएं, जो सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं का पालन करें, और अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का उपयोग ना करें, और जैसे ही कोई बीमारी इस लेवल पर होती है जो ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है, तो डॉक्टर की सब्सक्रिप्शन पर ही ये दवाइयाँ लें, अपने आप आगे बढ़ करके हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ना जाएं, ऐसा मैंने कहा। ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टर बोले होती है, यहाँ से हमारी 9 मेट्रिक टन पहले से मिल रही है, जिसका हिसार, अग्रोहा और सिरसा वहाँ की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। लेकिन फिर भी जो गैस रूप में ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए विचार बना कि यहाँ एक हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल हिसार में, और एक ऐसे ही 500 बेड का हॉस्पिटल हम पानीपत में बना रहे हैं जो IOC की रिफाइनरी है। दोनों जगह पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी DRDO की सहायता से ये दो जगह फैसिलिटी बनेगी, तो कम से कम 1,000 लोगों का ये हॉस्पिटल ये और बन जाएगा। देखिए कुल मिला के आज जो मुझे यहाँ पता लगा है कि एक दुर्घटना रात्रि को हुई है, एक हॉस्पिटल में 5 लोग अचानक जो डेथ हुई है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड तो जांच कर ही रहा है, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसके लिए भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया कि वो इसके एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराने के लिए ऑर्डर करें, ताकि छानबीन इसकी हो सके, इस प्रकार की घटना दोबारा से ना हो, इसलिए उसको भी कर रहे हैं। सब लोग कोविड के समय अपना बचाव ये करने का मन बनाएं, जो सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं का पालन करें, और अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का उपयोग ना करें, और जैसे ही कोई बीमारी इस लेवल पर होती है जो ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है, तो डॉक्टर की सब्सक्रिप्शन पर ही ये दवाइयाँ लें, अपने आप आगे बढ़ करके हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ना जाएं, ऐसा मैंने कहा।